अक्सर लोगों में ये होता है कि हमारी तो बख्शिश कोई ना उम्मीदी होती, पता नहीं साड़ी बख्शिश भी होनी है कि नहीं होनी, असा इतना गुनाह किए ना से साड़ी माफ़ी कोई नहीं। तो अल्लाह कहता है या इबादी, ए मेरे बंदो। तो ए मेरे बंदो में जो प्यार है, या इबादी ए मेरे बंदो, या इबादी, या अल्लाह कौन तेरे बंदे कौन, अल्लज़ीन असरफू अला अन्फुसहिम, जिनकी ज़िंदगी में नेकी नाम का एक हर्फ भी नहीं है ना, तुम भी मेरे ही हो, तुम भी मेरे ही हो। या इबादी अल्लज़ीन असरफू अला अन्फुसहिम, किस मोहब्बत से अल्लाह ने नाफरमानों को, बच्चे पे नाराज़ होते हो तो लहजा कितना सख्त हो जाता है, शागिर्द पे उस्ताद नाराज़ होता है उसका लहजा कितना सख्त हो जाता है, और मेरा अल्लाह उनसे बात कर रहा अला अनफुसहिम असरफु अला, जिनकी ज़िंदगी में नेकी का कोई एक डॉट भी नहीं है, एक नुक्ता भी नहीं है, अला पूरी ज़िंदगी उनके गुनाहों में डूब गई है। पानी में आप गोता लगाओ तो पूरे पानी में नीचे चले जाते हो ना, फिर उभरते हो, तो वो ये वो लोग हैं जिन्होंने गुनाहों के समंदर में डाइव किया, गोता लगाया और गुनाहों में गुम हो गए। अल्लाह ने कह रहा है ऐ मेरे नाफरमान बंदो, इससे ज़्यादा और अल्लाह का प्यार कैसे बताऊं, ऐ मेरे नाफरमान बंदो, तू सहमे हुए डर हुए, साड़ी तो बख्शिश कोई नहीं, साड़ा तो कोई हाल कोई नहीं। तो अल्लाह ताला कह रहा है ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, मेरी रहमत से मायूस ना होना, मायूस ना होना, इन्नल्लाह यग़फिरुज़्ज़ुनूब जमीअ, बेशक अल्लाह तुम्हारे सारे के सारे अगले पिछले नए पुराने गुनाह माफ़ कर देगा। क्यों, इन्नहु, तुम मानो या ना मानो, वो ताकीद के ऊपर ताकीद, इन्नहु हुवा अल गफूर अर रहीम, वो है ही गफूर अर रहीम, तो तुम्हें माफ़ क्यों ना करे,